संध्या बेला रेस्टो के उद्घाटन में पवन जी, पवन यादव जी इस वक्त हैं, कहलगांव के विधायक हैं, देखिए एमडी रॉबिन सिंह साहब, और इधर जनार्दन आजाद जी जो कि राजद के बड़े नेता और साथ में जिला परिषद सदस्य भी हैं। पवन जी आपसे शुरुआत करेंगे, आज यहाँ पे आए हुए हैं उद्घाटन में आप, वैसे तो आपने बहुत बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है, लेकिन आज किस तरह की अनुभूति और इंटीरियर जो आज यहाँ पे आपने देखा, तो कैसे इस चीज़ को आप, क्या अनुभूति है आपकी, क्या एक्सप्रेशन है? आए हुए अतिथिगणों का और आपका सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज कहलगांव की धरती पर सत्कार चौक में आज जो है संध्या बेला रेस्टोरेंट का शुभारंभ अभी हुआ है, और इसमें हमारी बबीता बहन जो हैं इनका बहुत ही योगदान रहा, इनकी सूझबूझ रहा, और इनके सुपुत्र जो कि आज बाहर से पढ़ कर करके यहाँ आए हुए हैं रॉबिन सिंह जी, इनका बड़ा योगदान रहा कि भाई इस इलाके के हम बेटा भतीजा भाई होने के नाते, यहाँ का बच्चा होने के नाते, बहुत जगह विदेश में भी हर जगह देख करके, अलग अलग राज्य में देख करके आए, इन्होंने रेस्टोरेंट बोले कि नहीं भाई ये गांव देहाती इलाका है और ये संध्या बेला, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है इसका संध्या बेला रेस्टोरेंट, कि गाँव के लोग यहाँ पर आवे और अलग अलग तरीके का भोजन का आनंद ले, जिस तरह का भोजन बोलेंगे कि हमको इस तरह का भोजन यहाँ करना है उस तरह का बनाएंगे। और ये आज जो इस चौक को जो देख रहे हैं, इस इमारत को बनाने के लिए हम सबों के युवा भाई विभूति बाबू हैं, विभूति यादव जी, इनका भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं कि आपने कम से कम पूरे सूझबूझ के साथ इस चौक को आपने जगाने का काम किए हैं। इनके पूर्वजों को भी, दादाजी के, इनके बाबूजी को भी हम नमस्कार करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत पहले सोचे कि नहीं भाई इस जगह एनटीपीसी है और इतनी बढ़िया व्यवस्था आज सबों ने मिल के कर रहे हैं। पूरे देखिए जनार्दन भाई जी भी आए हुए हैं, हमारे सभी पूरे परिवार पीरपैती से लेके कहलगांव से भागलपुर सभी आए हुए हैं, और हमारे गैस जो घर घर तक पहुँचाते हैं वैसे भी हमारे भाई यहाँ पर, हमको लगता है कि 10-15 एजेंसी के अपने ऑनर हैं, जो संचालक हैं वो आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सत्कार चौक में एनटीपीसी के ये गेट के पास में इतनी बड़ी बढ़िया रेस्टोरेंट आज खुला है। आज जो है, आज ऑन कैमरा सर बताइए कि कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या खाना आप पसंद करते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है तो खाने की बात होनी चाहिए। देखो हम तो बताए छो कि हम किसान और बेटा छिकिए, और हम तो यहाँ से शुरू करेंगे मकई का रोटी और साग से शुरू करेंगे, ठीक है ना, और किन्हीं को लगेगा कि नहीं भाई मकई का रोटी और गुड़ और उसमें दूध है उनकी भी व्यवस्था है, वो भी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनको भी जिस तरह का भोजन अगर लगेगा, अगर हमको इस तरह का आइटम खाना है, तो बबीता बहन पूर्ण रूपे न जब बन रहा था तो उस समय भी हम आ करके देखें, हमको एक से एक मीनू दिखा रही थी कि भैया सिर्फ आ करके ही भोजन नहीं करेंगे, यहाँ से पैक करा के जो बूढ़ी माता और गार्जियन घर में उनके लिए भी ले जाने की व्यवस्था है। और ये भी बता रही थी रोबिन भाई कि अंकल जी ऐसे लोग भी मेरे यहाँ इस इलाके के युवा भाई को रोजगार दे रहे हैं, कि मान ली जो घर में लोग बैठे हुए और बता दिए कि नहीं हमको ये भोजन चाहिए, यहाँ 10 लड़का तैयार है, उनको वो पैक करके दिया जाएगा और गंतव्य स्थान जहाँ से आएगा कि भाई फलाने जगह पर हमको चाहिए पार्सल, वहाँ पहुँच भी जाएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़। चलिए जनार्दन जी आइए सर, थोड़ा इधर बोलिए। जनार्दन जी आज उद्घाटन में यहाँ पे आप पहुँचे हैं और संध्या बेला रेस्टोरों के उद्घाटन में आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपको क्या लगा अंदर आके, और इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर कि कहलगांव जैसे जगह पर जहाँ इतनी सारी अभी विकास की बातें हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमाम उपस्थित लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, यह सत्कार चौक कहलगांव एनटीपीसी के बगल में जो यह संध्या बेला रेस्टोरेंट खुला, और इस तरह का कहलगांव में रेस्टोरेंट नहीं है, और मुझे आशा और विश्वास है कि अगर यदि जो व्यवस्थाएं हैं, जो लग्जरी भोजन मैंने जिस तरह से उपलब्ध कराएंगे, हमको लगता है कि कहलगांव ही नहीं बल्कि अगल बगल के क्षेत्र के भी लोग आकर के भोजन करेंगे। बस इनके यहाँ स्टाफ भी देख रहे हैं, सारा बाहर से लोग आए हुए हैं, कोई बंगाल से है, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, सारा स्टाफ बाहरी आकर के तैयार है। अब मुझे आशा और विश्वास है
कि यहाँ के लोगों को लग्जरी भोजन, लग्जरी नाश्ता, बेहतर व्यवस्थाएं हो, लोग आवे। और व्यवस्थापक को मैं हृदय से धन्यवाद, विभूति जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, माननीय विधायक जी, और हम दोनों आदमी मिल के संयुक्त रूप से फीता काटे। हम तो चाहेंगे कि दिन दुनी रात चौगुनी इनकी। आपका सर, आपका रेसिपी में सबसे अच्छा आपको क्या खाने में लगता है, क्योंकि आज यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए तो खाने की बात थोड़ा करना लाजमी है, क्या आपको अच्छा लगता है सर? हम लोगों को थोड़ा पनीर वगैरह, थोड़ा चिकन चिल्ली वगैरह, ये सब बढ़िया से व्यवस्था करके दे। हम लोग तो ज़्यादा शाकाहारी पसंद करते हैं। जी जी, तो पनीर का आइटम आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए, और सब सारी व्यवस्थाएं हैं, देखेंगे जो लग्जरी होगा उसमें चयन करके अच्छा से अच्छा। और आते रहेंगे यहाँ पे? आते रहेंगे, हमारा तो घर के बगल में है। हम लोग तो चाहेंगे कि हर तरह से यह फूले फले, हम लोगों का आशीर्वाद इन लोगों के साथ है। आज जो आयोजन हुआ, मैम उद्घाटन हुआ संध्या बेला रेस्टोरेंट का, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो है नाम को लेकर जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इस नाम को कैसे डिसाइड किया संध्या बेला, और क्या कहना चाहेंगे आज के इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए? बहुत सारे लोग आए हैं और पूरा इलाका जो है यहाँ पे उमड़ पड़ा है, तो क्या कहेंगे आज इस तरह का जो प्यार लोगों का जो आपने बुलाया, सम्मान दिया, लोग भी पहुँचे, क्या कहेंगे? सर पहले तो जो भी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा स्नेह और प्यार मिला इन लोगों को देखकर, अच्छा लगता है कि हमें किस ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो लोग हमको इतना स्नेह दे करके इस जगह के लायक समझे, और हमारे प्रतिष्ठान में आकर के हमारे बच्चे को, हमारे रूबीन MD सिंह को आशीर्वाद दिया, इसके लिए तो सारे लोगों को धन्यवाद। और दूसरी बात सर, आप पूछे कि संध्या बेला से क्या कॉन्सेप्ट है? संध्या बेला, तो सर संध्या बेला एक हमारा बिहार का नाम है, एक हिंदुस्तान का नाम है, जो पूरे दिन में लोग अपने घर में क्या बनाते हैं, क्या खाते होने, लेकिन जैसे ही शाम होता है अपने घर के तरफ लौटते हैं, और घर के तरफ लौट करके एक सांझा चूल्हा का, एक घर में रसोई का व्यवस्था करते हैं कि अब हम एक परिवार एक साथ एकत्रित होंगे और संध्या में शाम को टाइम में अपना खा, जो भी है जिनके घर में जो है वो बनाएंगे और खाएंगे, अपने परिवार के साथ एकत्रित होंगे। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार है, जितने भी शहरवासी हैं हमारे परिवार है, और हमारा बस एक ही सोच है कि सारे शहर का परिवार हमारे साथ एकत्रित हो और हमारे साथ भोजन करे, हमारे साथ जुड़े, और हमको स्नेह दे, प्यार दे, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे और आगे बढ़ने में मदद करे। धन्यवाद। संध्या बेला MD इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रेस्टोरेंट के। रॉबिन सिंह जी, आज जो भव्य ओपनिंग आप लोगों ने किया है, सबसे पहले तो क्या उद्देश्य रहेगा आगे के लिए आपका, क्योंकि ये तो एक शुरुआत हो गई, आगे किस तरीके से क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सांसद जी को, विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप आए और हमें आशीर्वाद दिया हमारे नए संस्थान के लिए। बाकी जो भी लोग हैं, हमारे अंकल आंटी बुजुर्ग जो भी हैं, सबको थैंक यू आने के लिए। दूसरी बात, ये सांझा विला जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोग जो है मतलब एक शाम का वक्त जो है अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं ज़्यादातर, तो एक ये उस सोच के साथ हमने एक संस्थान शुरू किया है कि आप आइए शाम के वक्त हमारे साथ गुजारिए, और जहाँ पे आपको बहुत सारे व्यंजनों का, ये आप बिहारी ले लीजिए, चाहे देसी ले लीजिए, या चाहे बाहर की जो भी डिश वो आप ले लीजिए, उसको हम यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ जितने भी नए नए व्यंजन हैं उनका स्वाद लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। संध्या बेला रेस्टोरेंट के उद्घाटन में पवन मिश्रा जी पहुँचे हैं। पवन मिश्रा जी, क्या कहेंगे आज जो आप प्रथम दृष्टिया जो यहाँ इनकी अंदर आए, तो कैसा लगा आपको यहाँ का इंटीरियर और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने नोटिस किया था? देखिए, कहलगांव के लिए आज गौरव का क्षण है, और इसके लिए हम यहाँ के आयोजक और जो इसके MD हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि कहलगांव जैसे छोटे शहर में इतना सुंदर संध्या बेला, बड़ा सुंदर खूबसूरत देख ही रहे हैं आप, लग रहा है रेस्टोरेंट जैसे लगता है कि हम लोग कोई बड़े महानगर और बड़े सिटी में, और कहलगांव भी सत्कार चौक एक छोटा सा जगह, ये गौरव का बात है हम सभी के लिए। और हमको लगता है कि आने वाला समय में कहलगांव जिस तेज़ी से गति प्रदान कर रहा है, कि हम लोग के घर की जो
बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको खाने के लिए बहुत दिक्कत होता था, भागलपुर जाना होता था, बाहर जाना होता था। और संझा बेला जैसा अगर रेस्टोरेंट खुल गया है यहाँ, तो हमारे घर के बच्चे और बच्चियाँ और हम लोग भी, कोई भी बड़ा पार्टी करेंगे तो यहाँ आके आराम से सारा खाना का व्यवस्था है और बड़ा ही सुंदर है। हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं इनको, जो भी प्रेरित किया है और जो ज़मीन मालिक हैं, अंबिका जी हैं, जो खोले हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज एक रेसिपी सर बताइए, क्योंकि सब लोग, सारे गेस्ट हम लोग पूछ रहे हैं, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे? देखिए, हमको बटर पनीर और भेज मंचूरियन ये अच्छा लगता है खाने, और बटर नान हमको लगता है सारा सुविधा है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत